नमस्कार, सोशलाइट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको थाली पोश की डिजाइन बता रही हूँ। इस तरह का डिजाइन है, देख सकते हैं आप। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लें, क्योंकि आगे चल के हम आपको और भी नए नए डिजाइन वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जिससे कि आपको पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमने दो कलर लिया है, लाइट ग्रीन, पिंक कलर, लाइट पिंक है। सात चैन बना लेते हैं पहले। इसको रिंग कर लेंगे। इस रिंग में हमने 18 डबल क्रोशे बनानी है। डबल क्रोशे 18 उस रिंग में हमें बनानी है। हमने 18 डबल क्रोशे इसमें बनाए हैं। इसे हम यहाँ जोड़ देते हैं इस तरह से। अब पांच चैन बनानी है, 3 4 5 चैन हमने बनाए यहाँ पर। एक क्रोशे छोड़ेंगे, एक डबल क्रोशे लेंगे, यहाँ पर एक चैन देंगे, फिर एक छोड़ेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशे। इस तरीके से हमें पूरे राउंड बना लेनी है, देख सकते हैं। एक एक हमने छोड़ के लिया है, एक चैन, एक डबल क्रोशे, एक चैन और एक डबल क्रोशे। इस तरह से पूरे राउंड बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने एक लाइन इस तरह से हमने बना लिया है। वो चैन में हमने स्लिप चैन लेनी है। इसमें हमने तीन बनाया है, 3 डबल क्रोशे, देख सकते हैं। एक में हम 2 बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे, फिर दूसरे जाली में 3 बनाएंगे। इस तरह से पूरे राउंड बना लेनी है हमने। एक में 3 बनाया है, 2 फिर 3, इस तरह से हमें बनानी है, देख सकते हैं। जो हमने चैन लिया है उसमें इस तरह से हमने पूरी लाइन बनाई है। एक बॉक्स में 2, एक बॉक्स में 3। पूरा लाइन हम इस तरह बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने एक लाइन बना ली है। इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से स्लिप चैन ले लेंगे। इसमें आप 3 चैन बनाएंगे, 3 हमने एक क्रोशे के लिए 3 चैन बनाए। यहाँ पर 2 चैन लेंगे, इस तरह से हम इसे जोड़ देंगे। दूसरे में हम स्लिप चैन लेके पांच चैन बनाएंगे। एक छोड़ेंगे डबल क्रोशे, यहाँ पर एक चैन देंगे, दूसरे में एक डबल क्रोशे, एक चैन, एक डबल क्रोशे। जैसे हमने नीचे की लाइन में बनाया, इसी तरह से हम ऊपर भी बनाएंगे, देख सकते हैं। इस तरह से एक चैन, एक डबल क्रोशे, एक चैन, एक डबल क्रोशे, इस तरह से हमें बनानी है पूरा लाइन।
तो इसी तरह से पूरी लाइन हम बना लेंगे। इस तरह से इसे हम जोड़ देंगे लाके। ये देखें इस तरह से चैन के अंदर से हमें स्लिप चैन लेनी है। यहाँ पर 5 चैन बनानी है। सॉरी, इधर हमें 3 चैन बनानी है, 1 2 3। इसके अंदर हमें 2 डबल क्रोसी करनी है। देख सकते हैं जो हमने चैन लिया था उसको भी हमने काउंट किया है। एक में 1 डबल क्रोसी बनाएंगे, दूसरे बॉक्स में 2 बनाएंगे, फिर तीसरे बॉक्स में 1, चौथे बॉक्स में 2। इस तरह से हमें ये लाइन बना लेनी है। देखें इस तरह से एक में हमने 1 बनाया, दूसरे में 2। इस तरीके से पूरी लाइन हम बना लेंगे। इस तरह से हमने ये लाइन बना लिया है, देख सकते हैं। इस तरह से गोल मिल जाएगा आपको। यहाँ हमें दूसरा कलर लगानी है। ये कलर हम यहीं छोड़ देंगे, इसको निकालेंगे नहीं धागे को। यहाँ हम पिंक कलर जोड़ेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने 2 चैन लिया है, इसको हम आधे इंच खींचेंगे इस तरह। आधा आधा इंच हमने ही लिया है, इसे बहुत छोटा लिया है, आधा इंच तक ही है। पांच फेरा लेंगे। इस तरह बांध दें एक चैन, एक हम इसी तरह आधा इंच एक ही लेंगे, और जो हमारा धागा पीछे का है इसे हम सिंगल क्रोशिया इसमें इस तरह से ले लेंगे। चार स्किप करेंगे हम, 4 छोड़ेंगे, हमने 4 क्रोशिया छोड़ा यहाँ। फिर वापस इसी तरह से लेना है, एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया हमने, चैन लेना है, फिर 5 फेरा हमें इधर लेंगे। इसे बांध दें, एक चैन लेना है, फिर आधा इंच इस तरह से खींच के लास्ट धागे में सिंगल क्रोशिया करनी है। इस तरीके से 4 क्रोशिया छोड़नी है, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इस तरह से डिजाइन आपको बनानी है एक लाइन की, देख सकते हैं। पूरे लाइन में इसी तरह से डिजाइन बना लें। तीन 4 5 5 फेरा करेंगे, एक चैन, फिर एक बार खींच के इस तरह से लास्ट धागे में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह 4 क्रोशिया छोड़ के सिंगल क्रोशिया से हम इस तरह जोड़ देंगे। इस तरह से हम पूरे लाइन में बना लेंगे। ये देखें हमने एक लाइन इस तरह से बना लिया है, देख सकते हैं आप। यहाँ भी 4 ही आया है, इस तरह से जोड़ दे। स्लिप चैन लेंगे हम यहाँ पर जोड़ने के लिए। और यहां से यहां तक लाने के लिए हमें चैन करनी है। पांच चैन हमने यहां पर किया है। सिंगल क्रोशिया यहाँ पर ले लेंगे हम। यहाँ पर इस तरह से हम दूसरा जो धागा था ग्रीन कलर का वो हमने यहाँ पर लेनी है। इस तरह से
ये धागा हमें यहीं पर छोड़ देना है। यहाँ पर चैन करना है, हमें 7 चैन हमने यहाँ पर किया है, देख सकते हैं। फिर दूसरी तरफ सिंगल क्रोशी, दो 3 4 5 6, यहाँ पर हमने 6 चैन किया है। देख सकते हैं हम कहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। बीच में हम इस तरह से सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें 6 चैन लेनी है। शुरुआत में हमने 7 लिया था, यहाँ 6 चैन लेनी है। इस तरह से पूरा लाइन हम बना लेंगे। ये देखिए एक लाइन हमने इस तरह से बना दिया है। एक चैन छोड़ के दूसरे चैन में इस तरह से हम जोड़ देंगे। उसी चैन में हम एक स्लिप चैन लेंगे, 3 चैन। यहाँ हमें इसमें हमें 7 डबल क्रोशे बनानी है। ये देखें हमने 7 डबल क्रोशे इसमें बनाए हैं। दूसरे चैन में भी 7 डबल क्रोशे बनानी है हर एक चैन में। इस तरीके से देख सकते हैं पूरी लाइन हम इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये लाइन बना ली है। इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ये धागा हम यहीं छोड़ देंगे। देख सकते हैं पिंक कलर का धागा हमने इस तरह से लिया है। 2 चैन, फिर ये जो नीचे हमने लाइन बनाई है इसी तरह का लाइन बनाना है हमें। आधा आधा इंच खींच के हमने लिया है आगे बलून स्टिच, 4 छोड़ा है, देख सकते हैं। दो 4 इस तरह से, इसी तरीके से लाइन हम ऊपर भी बना लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके। ये देखें हमने इस तरह से 4 लाइन बनाई है। 4 लाइन का हमने पिंक कलर का ये डिजाइन दिया है। अगर ये लाइन आपकी मूर्ति है तो यहाँ पर आप एक चैन बढ़ा सकते हैं, दूसरे लाइन में एक क्रोशी भी बढ़ा सकते हैं। नहीं मुड़ेगी तो ठीक है, अगर मूर्ति है आप तो एक एक चैन एक एक डबल क्रोशे बढ़ा दें। हमने 4 लाइन बना के इसके ऊपर हमने एक लाइन हर एक चैन में से बनाया है। देखें डबल क्रोशे,
एक लाइन बना ले सादा ऐसी इसी तरह। एक लाइन पूरी तरह से इसी तरह से बना ले। चैन नहीं लेना है, हर एक चैन के ऊपर से हमने लिया, देखे अंदर से नहीं लिया हमने, चैन के ऊपर से लिया, देख सकते हैं। ये देखे हमने यहाँ पर दो लाइन बनाया है, नीचे का लेके तीन लाइन हो गया। इसी तरह से हमने बनाया है, सादा ही है ये, हर एक चैन पर बनाया हमने। आप लोगों ने एक डिजाइन आप लोगों ने झालर की मांगी थी मुझसे, ये डिजाइन मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह का ये डिजाइन बनेगा झालर इसी। इस तरह पांच फेरा ले ले एक चैन लेके, हमने यहाँ पर दो चैन लिया है। उसी तरीके से एक चैन लेके एक सिंगल, आधा इंच से ज्यादा हमने लिया, पौन इंच लिया हमने। छह छोड़ेंगे, छह क्रोसी देख सकते हैं, छह क्रोसी हमने छोड़ा है। सिंगल क्रोसी से इस तरह से जोड़ देंगे, पावन इंच लंबा हमने खींचा है। यहाँ पर हमने थोड़ा बड़ा लिया है, पांच फेरा। छह छोड़ेंगे, सिंगल क्रोसी करेंगे यहाँ इस तरह से। इस तरह से पूरी लाइन बना ले। ये देखिए एक लाइन ये हो गया है। इस तरह से यहाँ जोड़ दें, फिर यहाँ तक लाना है हमें, तो पांच के चयन करनी है, पांच इस तरह से स्लिप चैन कर ले, देख सकते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ एक चैन लेंगे, पावन इंच खींच के इसी तरह से जैसा हमने पहला लाइन बनाया था उसी तरह से पांच फेरा लेंगे, इसे बांध दें एक चैन। फिर एक बार खींचेंगे हम और लास्ट धागे में इस तरह से सिंगल क्रोसी कर लेंगे। दूसरे पॉइंट में इस तरह से हम जोड़ेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से ये लाइन सीधी जाएगी। ये जो लाइन है हमारी ये सीधी जाएगी। इस तरह से तीन चार लाइन आप बना ले, जितना आपको बड़ा चाहिए झालर। बांध के एक चैन लेके एक ही बार हम खींचेंगे, इसे सिंगल क्रोसी से जोड़ेंगे दूसरी तरफ। इस तरह सिंगल क्रोसी से ही हम जोड़ देंगे इसे, तो इस तरह से डिजाइन जाएगी, देख सकते हैं आप। इस तरह से तीन लाइन बनानी हो या फिर आपको चार या पांच, जितना आपको लाइन बनानी है आप बना सकते हैं। ये देखें हमने अभी दो लाइन बनाई है, अगर आपको चाहिए तो तीन या चार लाइन बना लें, उसके बाद हमने इस तरह से डिजाइन किया है।
पांच चैन लेके हमने यहाँ पर स्लिप चैन से जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह यहाँ पर हमें सात चैन लेनी है। सात चैन हमने लिया है, चार छोड़ेंगे, पांचवे में स्लिप चैन इस तरह से लेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे, चार चैन देख सकते हैं क्रोशे के इधर से हम ले रहे हैं साइड से इस तरह देखें, सिंगल क्रोशे, फिर उसी में हम एक और डबल क्रोशे लेंगे, चार चैन क्रोशे के अंदर से हमने सिंगल क्रोशे लिया है, इस तरह से हमें छह बनानी है। हमने छह बनाया यहाँ पर, छह क्रोशे देख सकते हैं। हमने छह क्रोशे बनाए हैं इसी तरीके से देखें। यहाँ हम एक चैन करेंगे, फिर दूसरी तरफ देख सकते हैं उसी तरह से बनानी है, चार चैन देखें अंदर से इस तरह से हमें सिंगल क्रोशे करनी है। इस तरह छह बनानी है हमें, देखिए इस तरीके से हम पूरा डिजाइन बना लेंगे लास्ट में। हमारे डिजाइन वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हमारे वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।